चिनाब वैली और दूसरे भी इलाकों में सबसे बड़ा कारण जो है एक्सीडेंट्स का, और चिनाब वैली में तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में, जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर बता रहे थे कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। मेरे ख्याल में जब से मैं बड़ा हो गया हूँ तो तकरीबन 10-15 हज़ार लोग तो चिनाब वैली के इन एक्सीडेंटों में मारे गए हैं और जवान भी। 3-4 चीज़ें पर मेरी नोटिस में एक है, एक तो ये तो खैर बड़ी बस थी, उसका कारण यह है कि बड़ी बस वो मैनूवर नहीं करती है, जैसे ये भी अभी मोड़ पे है, टू लेन तो है लेकिन स्पीड से जब आई तो सीधे चलेगी। एक तो स्पीड को रोकना, दूसरा एक वक्त था ऐसे 60 साल पहले 50 साल पहले, उन दिनों ट्रैफिक पुलिस बड़ी इफेक्टिव थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक पुलिस खत्म ही कर दिया गया है पूरी स्टेट में, ट्रैफिक 1000 गुना बढ़ गया है, कई 1000 गुना बढ़ गया है और ट्रैफिक पुलिस कई 1000 गुना कम हो गई है। तो कम से कम ऐसी एरियाज में ट्रैफिक पुलिस की बहुत कमी है, वो 3 चीज़ों को रोक सकते हैं। एक तो टेलीफोन चलाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए, टेप रिकॉर्ड सुनने से भी बहुत उनका ध्यान उधर लग जाता है, तीसरी स्पीड, और चौथी है उसमें ओवरलोडिंग। जैसे इस बस में 38 की कैपेसिटी थी लेकिन 56 लोग इसमें बैठे थे, 56, तो हैवली ओवरलोडेड, लेकिन साथ में स्पीड भी ज़बरदस्त थी। तो ये 4 चीज़ें तो बड़ी गाड़ियों के लिए। छोटी गाड़ियां जब से ये बैंकों का 5000-4000 में भी लोन मिलने लगा तब से भी चिनाब वैली में तबाही मच गई कि बेकार हमारे बच्चे, जाहिर है ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी लेते हैं बैंकों से अलग अलग 5 सीटर 6 सीटर, लेकिन उसमें भी चढ़ाते हैं 20 लोग, तो एक तो ओवरलोडिंग हुआ और उसको ट्रेनिंग ज़ीरो है, ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग कुछ भी नहीं करते हैं, बैंक से लोन लिया और दूसरे दिन स्टेयरिंग चलाई और इन पहाड़ी इलाकों में चला। उनकी कंपलसरी है 1 साल ट्रेनिंग करना, जो भी बैंक से लोन ले ले तो ड्राइवर ट्रेंड होना चाहिए, अगर नहीं है अनएम्प्लॉयड यूथ है तो उसको ट्रेनिंग देना चाहिए और ओवरलोडिंग उसमें भी देखनी चाहिए। ये 4-5 चीज़ें अगर मिला के हम इसका इलाज करें, ऐसा नहीं है सड़कें बहुत बनी हैं, अब ये इस पहाड़ी इलाके में 2 लेन इस तरह की सड़क, लेकिन अगर ओवरलोडिंग हो और स्पीड वो प्लेन की तरह चले तो एक्सीडेंट स्वाभाविक है। तो सरकार को भी एहतियात करनी पड़ेगी, पुलिस को सतर्क रहना पड़ेगा, ट्रैफिक पुलिस को, और लोगों को भी खुद सतर्क रहना पड़े। आधा घंटा अगर लेट पहुंचे तो कुछ नहीं जाएगा, कई सैकड़ों जाने हजारों जाने बच सकती हैं उस ड्राइवर की वजह से। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।